तुम लोग ना ये एनटीए वनटीए का जैसा चल रहा है ना, रिजल्ट रिजल्ट और ग्रेस मार्क और ये सारी चीजें, इन सब से अपना ध्यान हटा लो। क्योंकि एक साइकिल होता है बेटा, 4 साल आसान, 4 साल टफ, और टफ होना पेपर जरूरी है, तभी मेहनत करने वाले बच्चों को फायदा मिलेगा। मैं तुम्हें बताऊं, 2016 का दोनों पेपर, 17 का पेपर, 18 का पेपर, 19 का पेपर देखो, हिला देगा। और तुम लोग ना, मतलब एक सजेशन मैं देना चाह रहा हूँ, तुम लोग ना ये एनटीए वनटीए का जैसा चल रहा है ना, रिजल्ट रिजल्ट और ग्रेस मार्क और ये सारी चीजें, इन सब से अपना ध्यान हटा लो, पढ़ाई करो, और जैसा नॉर्मल पेपर 20 में, 21 में, 22 में हुआ था ना, वैसा ही पेपर अगले साल होगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन बेसिक से पढ़ाई करो, कंसेप्चुअली अच्छा अप करो और थोड़ा लेवल अप करो। क्योंकि एक साइकिल होता है बेटा, 4 साल आसान, 4 साल टफ, और टफ होना पेपर जरूरी है, तभी मेहनत करने वाले बच्चों को फायदा मिलेगा। कट ऑफ जाने का 10 रीजन मैं मान सकता हूँ, एक्सटर्नल कुछ है, लेकिन कट ऑफ ऊपर जाने का रीजन कहीं ना कहीं पेपर का लेवल भी है। और बच्चे बहुत डेडिकेटली, बहुत सीरियसनेस से तैयारी करते हैं। मान लो एक साल बेगारी कर लिया, 2 साल कर लिया, लेकिन तीसरे साल एकदम आग लगा के पढ़ता है, जब उसको अकल आ जाती है। तो आप अभी से टफ मतलब अच्छे पेपर की तैयारी करो, क्योंकि आज बिना कोचिंग के भी लोगों को लगता है कि तैयार हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, क्योंकि लेवल ही इतना आसान है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ रहे हैं यार। 2000 मैं तुम्हें बताऊं, 2016 का दोनों पेपर, 17 का पेपर, 18 का पेपर, 19 का पेपर देखो, हिला देगा। बढ़िया पेपर, 20 आसान, 21 आसान, 22 आसान, 23 आसान, 24 आसान। आसानी का शिफ्ट ना अब खत्म है, आसानी का शिफ्ट खत्म है, और खत्म होना भी चाहिए अगर तुम सीरियस बच्चे हो तो। अगर तुमको सच में डॉक्टर बनना है और तुम सच में चाहते हो कि तुम सेलेक्ट हो जाओ, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और सोचो कि पेपर थोड़ा अच्छा हो। नहीं तो यार 700 तो सिली मिस्टेक से भी खराब हो जाएगा। आज देख लो जेई एडवांस में, अगर तुम क्या पेपर होता है यार, जेई एडवांस में अगर 30% तुम क्वालिफाई कर लिए ना, पेपर कर लिए ना, 30% अगर तेरे नंबर आ गए ना, तो आईआईटी बॉम्बे दिल्ली मिल जाएगा 30 से 35% पर। 25-20% भी पेपर तुमने सही कर लिया ना, तो तुम्हारा मोटा मोटा आईटी कोई ना कोई मिल जाता है। अब इसमें क्या है कि सिली मिस्टेक जैसी चीजें हट गई ना यार। क्या सिली मिस्टेक करोगे, आराम से टाइम है, 3 घंटे में तुम्हें 1/4 क्वेश्चन कर, 1/3 क्वेश्चन करना है 3 घंटे में। जो करो पूरी दिमाग से, कैलकुलेशन से करो। अभी क्या है, इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, इतनी ज्यादा हाई एक्यूरेसी की डिमांड है कि यार अगर तेरा मतलब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी अगर कुछ खराब है, कि कुछ प्रेशर की वजह से भी तुम 2-4 सिली मिस्टेक करोगे तुम खत्म, 1-2 सिली मिस्टेक करोगे तो खत्म। पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी मेहनत करने वाले बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को फायदा मिलेगा, तो सिर्फ रट के जाने वाले बच्चों को फायदा मिल जाएगा।